एम्बुलेंस सौ वाहन से डर लगना, एम्बुलेंस से डर, सौ वाहन से डर। जो लोग फोबिया से ग्रसित हैं, जो लोग ओसीडी से ग्रसित हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एम्बुलेंस से बड़ा डर लगता है कि एम्बुलेंस आ रही है तो कुछ बुरा हो गया, मेरे साथ बुरा हो सकता है। उनका एम्बुलेंस के नाम से ही घबराहट शुरू हो जाती है, सौ वाहन के नाम से ही घबराहट शुरू हो जाती है। अगर देख लें चिंता बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल फड़फड़ाने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं, नहाएंगे धोएंगे भागेंगे, कुछ जाप करेंगे, ऐसा करते हैं। तो ये एम्बुलेंस से डर लगना, सौ वाहन से डर लगना एक रोग है, एक रोग है, एक रोग के लक्षण हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक रोगों का इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है, इलाज आसान और सस्ता है। सौ से डर लगना, लाश से डर लगना, इसके विषय में आपने पहले एक वीडियो में जान लिया। कई बार सौ वाहनी जो सौ को लेकर जाती है शमशान घाट तक, जो वाहन इस्तेमाल किया जाता है उससे भी डर लगता है और एम्बुलेंस से भी डर लगता है। उनके मन में एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही या सौ वाहनी को देखते ही चिंता शुरू हो जाती है, खतरे की घंटी बज जाती है, टन टन। खतरे की घंटी कैसे बजती है? टन टन बजती है। उनके मन में भी टन टन होने लग जाती है, खतरे वाला सिंबल बड़ा हो जाता है। खतरे वाला सिंबल सबके मन में होता है, बाकी के मन में छोटा होता है, उनके मन में बड़ा हो जाता है, पूरा बड़ा पर्दे की तरह बड़ा होने लग जाता है। जैसे पर्दा खुलता है, सिमटता है, तो उनके अंदर खतरे का पर्दा खुलने लग जाता है, खतरा उनको महसूस होने लग जाता है। वो सोचने लग जाते हैं कि हमारा भी यही हाल होगा। सौ वाहनी को देखकर कुछ लोग तो कहते हैं सर हमें लगता है कि हमें भी जाना पड़ेगा। वाकई में जाना तो पड़ेगा, सच्चाई है, कौन बदल सकता है, इसके विषय में सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन वो सोच सोच के कांपते रहते हैं क्योंकि जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए हैं। तमाम उम्र जो जीवन में डर के रहता है तो वो डर के साये में जी रहा है। तो जीवन में जो करने लायक है उसे करिए, ना डरने की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है। सौ वाहनी में तो जाना ही है, ये तो सच्चाई है, तो उससे पहले कुछ कर जाइए, उससे पहले कुछ कर जाइए। जैसे कहा गया ना, जीवन के बी सी डी होते हैं। बी ब्रेथ होता है कि हमारा जन्म हुआ, डी डेथ, ना ये बी हमारे हाथ में है ना डी, बीच में सी आता है, सी फॉर चॉइस, चॉइस हमारे हाथ में है, चुनाव हमारे हाथ में है कि जीना कैसे है, क्या सौ वाहनी से डरना है या उसको देख करके जीवन में ऊर्जा ले आनी है कि ये मेरा अंतिम सत्य है, इसमें मुझे जाना होगा। इससे पहले जो मुझे करना है, मानवता के लिए करना है, मानवता की भलाई के लिए करना है, वो कर जाना है। तो सौ वाहनी अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देखते ही लगता है कि कोई तो गया, अब हमें भी कुछ ना हो जाए, कहीं मुझे भी तो एम्बुलेंस में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं मेरा तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो एम्बुलेंस एक इलाज के लिए बेहतरीन वाहन है। जो तेज चलता है उसे इस रूप में ले, खतरे के रूप में ना ले। एम्बुलेंस से खतरा नहीं है, लेकिन वो खतरे में जोड़ देते हैं, घंटी बजती जो है खतरे के साथ ना जोड़ें, इनको इलाज के साथ जोड़ें, बेहतरी के विकल्प के रूप में इसे लें, तो खतरा कम हो जाता है। और जो एम्बुलेंस से और सौ वाहनी से जो फोबिया है, डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और आगे चल करके ओसीडी बन जाता है, इससे बचत हो सकती है, इससे बचत हो सकती है। तो सबसे सौ वाहनी से, एम्बुलेंस से अगर फोबिया डर है तो आप ऑनलाइन मुझसे बात कर सकते हैं। चूकना जाना ऑनलाइन मुझे मन की बात बताना, और ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के विषय में आप जानते ही हैं, CBT बेहतरीन थेरेपी, CDT बेहतरीन थेरेपी, द पावर ऑफ नाउ और गीता अद्भुत अमेजिंग थेरेपी, जिनके माध्यम से इलाज आसान और सस्ता होता है। आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं और समय से मैं शेयर करते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।